कहते हैं कि बनाओ सिंगार के बगैर खवातीन की जिंदगी अधूरी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें फिर से वापस लौट आईं। खवातीन ने भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन का कहना है कि सजना संवरना भी उनका हक है। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से मजबूरी थी घर में रहना, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये हम लोगों का एक ज़िंदगी का हिस्सा है। पार्लर आते हैं हम, अपनी टेंशन वगैरह यहीं पर आके ख़त्म करते हैं। 3-4 महीने से तो पार्लर बंद थे, अब मैं आई हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा है, हेयर कट करवाया मैंने, इन सब से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे आके। ब्यूटी पार्लर मालकान ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का अच्छा इकदाम है और तमाम तर SOPs के बाद पार्लर खोले गए हैं। हुकूमत का जो है वो अच्छा इकदाम है, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा बैकलॉग हो गया या जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा करें। कोरोना वायरस के बायस ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश से खवातीन को बड़ा धचका लगा, पर वक्त ने सब बदल दिया। अब ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हैं, पर तमाम तर SOPs के साथ। सजना सवरना किसे पसंद नहीं। कोरोना ने खवातीन को घरों तक ही महदूद कर दिया था, पर ब्यूटी पार्लर खोलने के हुकूमती अहकाम ने पार्लर मालकान और खवातीन के चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमराह सबा बजी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।